गंज की जनता को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिस जनता ने 35 साल के आरजेडी के मजबूत गढ़ को इस बाय इलेक्शन में गिराने का काम किया और विकास के साथ मजबूती से नीतीश कुमार के मनोबल को इस प्रदेश में बढ़ाने के लिए वोट करने का काम किया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि एनडीए ने चारों सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव के में नतीजे जो है वो लगभग स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जो बेलागंज सीट था वो हॉट सीट माना जा रहा था, राजद का गढ़ माना जा रहा था। लंबे समय से वहाँ पर सुरेंद्र यादव जो है वो जीतते आ रहे थे, लेकिन वो इस बार सांसद बने और बेटे विश्वनाथ जो है वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान वहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने खूब चुनाव प्रचार प्रसार भी किया, काफ़ी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा वहाँ पर जोर लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड ने जीत ली है। और जनता दल यूनाइटेड के जीत के बाद जो है वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि इस बार जो जात पात है वो उससे उठकर जनता ने विकास को चुना है। नीतीश कुमार का जो इकबाल है वो अभी बुलंद है और जिस तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो नतीजे आए हैं बाई इलेक्शन बेलागंज के, वो बताता है कि नीतीश कुमार के इकबाल जो है वो बुलंद है। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के बाहर जो है वो खूब जो है जीतने के बाद तमाम लोगों ने जश्न भी मनाया, पटाखे फोड़े, अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाया है और तमाम लोगों ने इस चारों सीट की जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने भी पार्टी दफ्तर में जो है वो इसको लेकर जश्न मनाया है। और राष्ट्रीय जनता दल की जो अगर बात की जाए तो 3 सीट पर राजद चुनाव लड़ रही थी और 1 सीट जो है वो माले के पास थी, हालांकि माले भी उस सीट को हार चुकी है। यह बात पहले से कहा जा रहा था कि तरारी में जो है वो चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही थी। रामगढ़ की अगर बात की जाए तो रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे वहां पर चुनाव लड़ रहे थे जो कि 3रे नंबर पर चले गए हैं। और जिस प्रकार से बेलागंज में जो बात हो रही थी तो वहाँ पर जो जनसुराज एक पार्टी जो वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी उसका भी जो कहा जाए कि आंकड़ा, पहले जो कैंडिडेट रहा है उसका जो आंकड़ा था वो बेहद ज़्यादा था। हालांकि इस बार वोटिंग कम हुई लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने वहां पर जीत दाखिल किया है। बड़ी बात यह है कि लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल का वह किला था और वो किला को जेडीयू ने ढहा है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। आज एनडीए के चारों बाय इलेक्शन की सीटें इस बात को प्रमाणित करती है कि माननीय नेता नीतीश कुमार का इकबाल बुलंद है और इस प्रदेश में जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके बिहार की जनता ने विकास को वोट देने का काम किया है। हम खास करके बेलागंज की जनता को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिस जनता ने 35 साल के आरजेडी के मजबूत गढ़ को इस बाय इलेक्शन में गिराने का काम किया और विकास के साथ मजबूती से नीतीश कुमार के मनोबल को इस प्रदेश में बढ़ाने के लिए वोट करने का काम किया है। बेलागंज की तमाम जनता को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आने वाले समय में यह बिहार जाति धर्म से ऊपर उठकर के विकास की विचारधारा को ताकत देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।